बन गया भाई हम लोग का कलर। अरे लठ लेके आ रहे थे मेरे दोस्तों, आपको 4 बजे का कोहरा दिखाया था, आज हम आपको दिखाने वाले हैं 5 बजे का कोहरा। दोनों भाई आ गए जो कि घर की पुताई का काम कर रहे हैं, और ये फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हो ना, बताओ तो, बता ही नहीं रहे, बता तो दियो पक्का ना, पैसा ना ले हो ना, बाद पैसा वैसा सही में ना दे हम। नहीं नहीं बता दो, फ्री में कर रहे हो तो कलर आप क्या करेंगे ऊपर तुम क्या कर रहे हैं, तुम भी बताओ भाई, कर रहे हैं। हाँ थोड़ी जम जम से कर, नीचे नहीं आने, आओ तो आठ में फंस के आ जाने भाई, मैं पहुंच गया हूँ बाल्टी लेके ऊपर। हाँ रखो करो, अब मैं करूँगा अपनी पोताई, और बिट्टू भाई कर रहे हैं अपनी पिताई, और अपने काम पे लग जाते हैं। ये चला है हमने सूखा बुरस, सूखो बुरस चले होगा, अब चले हैं भाई साहब जीरो थोड़ी देर बाद। हाँ देखो कितना रिक्स पे पोताई कर रहा है, राडो के भरोसे, और ये दोनों बंदर जैसे चढ़े हैं, गिरेंगे तो नीचे आएंगे, इतने में उनको कुछ नहीं हुआ, गिरो तो अच्छे से गिरने, खपड़िया बस फटने चाहिए। अरे बिल्कुल न पकड़ है हम, अब तो हम अभी लोग पायरल हुए। का भाई बिना सीजन की बना रहे तुम, जय श्री राम, बिना सीजन के बना, गणेश जी भी निकल गए, दुर्गा जी भी निकल गए, अब बना रहे तुम जी। आ गए टिकटॉक स्टार, का भाई रील नहीं बना रहे तुम, अरे सुन तो लो, इंस्टाग्राम में रील बना था जी, ये जा रही तन तन से स्कूल, कहा भाई रवीना बानो रील तो बनाओ इंस्टाग्राम पे, तुम वो कहाँ रखो भाई, ये बिना सीजन में बना रहे तुम, वो खेल रहे हो जी, गणेश जी बन रहे हैं इनके, हम गणेश जी नहीं बन रहे हैं जी, कौन से भगवान आए तो काली जी बना रहे हो जी, काली जी जी काली जी, ये भगवान तुम तो बन गए तुम, और के तो कहाँ से आए तुम, और कहाँ से आए हो, अब तो बने ही नहीं है एकदम से, यहाँ गौशाला आ गया। खैर मैं आपको बता नहीं पाया, ये बोरी देख रहे हैं और भी बोरी आनी है, गुप्त दान भी बहुत होता है गौशाला में, हम वैसे किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं करते, ना हम किसी से सहयोग मांगते हैं, कि लोकल में हमारे जो भी नगर सैपरा है लोग बहुत सहयोग करते हैं, और हमें उतने ही पैसे की जरूरत रहती है जितने की हमारी दवाई और भूसा वगैरह आ जाए। ये भूसा तो इस बार अभी स्टॉक कम हो गया, इसके बाजू में को जो कमरा है उसमें भूसा पर्याप्त रखा हुआ है, जो उसमें गाय को मिलाकर खिलाते हैं। चलिए वो तो सब आप लोग देख ही लेंगे, थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये वही पुराने मरीज हैं, इनका अभी सेवा कार्य चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, साफ सफाई आप देख सकते हैं, इतना सब तो चलता ही रहता है। खैर हुआ किसी को कुछ नहीं है, सब उनको सोने का तरीका है, और ठंड आ रही है, अब ठंड में इनकी व्यवस्था की जाएगी ठंड के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं, कहीं और चलना है अभी हमें, गाड़ी भी देना इनकी लेकर आए हैं हम, अभी दाना रख के आए थे एकदम से, शांत भाई मिल गए, शांत भाई बता रहे गौशाला में दाना, हाँ तुम बताओ का धूड़ अच्छा दाना अपन धूड़ ही रहे रहे, किसी को फंसा का है बिना सानी के भी नहीं खा ज्यादा मजे से, तो खत्म होगा तो अपन धूड़ ही रहे रहे, धूड़ ही रहते आज हम, अब मुँह कहाँ भी कह रहे मिलो नहीं रहो, बस साथ ही खत्म हुआ। गौ माता की इतनी अच्छी कृपा है कि गुप्त दान के रूप में आज हमारे पास दाना भी आ गया है। चलिए तो देख रहे शांत भाई। तो यहाँ पे हमारे साथी का ट्रैक्टर गड़ गया है जो कि निकल नहीं रहा, चलिए कहीं और चलते हैं, इनका गड़ा रहने दो ट्रैक्टर। आजा रुक के,
वगैरह अरे लठ लेके आ रहे तो लड़ रहे हो अरे गाली का दे रहा होता है ए तो लेके जाओ खे लड़ाई में चलो घर जाओ आओ जा घर जाओ चलो बताए तुम्हारे अरे नन्नू का लड़ रहा है चलो घर हाँ ठीक है लड़ना मरना घर जाओ घर चले जाओ लड़ना तो साथियों अब हम आ गए हैं जबलपुर तो भूख लगी थी तो हमने यहाँ पर बनवाया अनार चाट और अब हम सोच रहे हैं अब हमें जाना है सिहोरा तो हम सिहोरा के लिए निकल गए हैं और सिहोरा में यहाँ आशू जयसपाल जी की दुकान है जो भी काफ़ी अच्छे चाट वगैरह बनाते हैं या तो हमारे परिचित के हैं चाचा हैं तो इनकी क्वान्टिटी कम है लेकिन चाट आप देख ही सकते हैं कि अभी शानदार चाट है और भीड़ इनकी दुकान में लगी रहती साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है और फिर फुल्की खाई हम लोग ने साफ़ सफाई दिखा रहे हैं हम आपको बार बार आमने सामने दोनों इन्हीं के घर की दुकान है जयसपाल जी की दुकान के नाम से खैर इमरती का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसके बाद हम एजेंसी आ गए तो ये आंसू काफ़ी देर से लगा रहा है इसने हमें सेविन की फेमस दुकान में लेके आया है अब कैसी फेमस है क्या है हम भी देखते हैं इन्हें हमारा चाय से वेलकम किया है और अब चलिए हम देखते हैं क्या कैसी दाढ़ी वगैरह बनाते हैं काफ़ी भीड़ तो रहती है इनके रात में भी काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पे ये लोग सब ये देख रहे हैं ये देखिए काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह की है अपनी दुकान में भीड़ तो है ऐसे हम देखते हैं क्या कैसा बनाते हैं हमें भी हम अपनी दाढ़ियाँ बनवाने आए हैं पहली बार हम कोई अदर दुकान ट्राई कर रहे हैं तो आंसू भी बैठ गया और हम अब अपना लुक दिखाने वाले हैं किन्ने हमारा क्या लुक किया क्या भी लोग तो शांति करने आए हैं हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं करते इसलिए हम नहीं बताएंगे आपको कहाँ आए हैं और अभी शॉर्ट समय में बताएंगे कि खरीदी करने आए हैं वो भी नहीं बताएंगे कहाँ आए हैं उसे हम छोटे दुकानदारों को घाटा नहीं करवा सकते और हम भी कुछ खास लेने नहीं आए हैं ऐसे ही आ गए थे भटकते भटकते तो ब्लॉग को हम दे रहे हैं आराम लाइक करें सब्सक्राइब करें आप भी खाना माना खाते रहें और खाने पीने में कमी ना आए आपकी खुश रहें एंजॉय करें।